सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के पॉपुलर शो एक दीवाना था के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि किस तरह से शरण्या और व्योम की शादी के दौरान चांदनी उठाने वाली हैं जमकर फायदा। अब तक हम शो में देख चुके हैं कि किस तरह से शरण्या ने ये फैसला कर लिया है कि वो व्योम से शादी कर लेंगे, लेकिन इसी दौरान शिव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शरण्या और व्योम की शादी ना हो, और इसी के चलते शिव ने शादी के दौरान बहुत ही ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर रखा है और सबके सामने इस बात का भी खुलासा हो गया है कि राजन असली कल्प्रिट है और उन्हीं की वजह से शिव की मौत हुई थी। जब ये बात व्योम को पता चली है तो व्योम ने भी अपने पिता के खिलाफ ही आवाज उठा ली है। अब इन सभी चीजों का फायदा उठाने वाली है चांदनी, क्योंकि चांदनी कोई और नहीं बल्कि राजन की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो चाहती है कि राजन एक बार फिर से उनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि वो राजन का जमकर फायदा उठाना चाहती है। और इसी के चलते हम शो के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से चांदनी व्योम और शरण्या की शादी होने के लिए उनकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से राजन का प्यार एक बार फिर से उन्हें वापस मिल जाए। क्या वाकई चांदनी शरण्या और व्योम की शादी करवाने में कामयाब हो पाएंगे, जानना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी से जुड़ी तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।